आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट से रिलेटेड सॉल्व एमसीक्यू के बारे में। चैनल पर आप नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समर्पित है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, भारतीय संविधान भारत के लोगों को समर्पित है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 246। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 5, मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, सॉरी अनुसूचियां थी, ठीक है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 8। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान को कब अधिनियमित किया गया? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, आंशिक रूप से संघीय और आंशिक रूप से एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, बीएन राव। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा था कि भारतीय संविधान एक मजबूत केंद्रीयकरण प्रवृत्ति वाला संघ है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, व्यारे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।